भिलाई सेक्टर 7 रेलवे कॉलोनी के समीप स्थित उड़िया बस्ती में शनिवार की रात दो युवकों में झड़प हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक केतन बाघ ने प्रिंस डोंगरे नामक युवक के सीने में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से नाराज स्टेशन बस्ती वाले घंटों सड़क पर बैठे रहे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते रहे। इस दौरान पुलिस के उच्चाधिकारी दलबल के साथ मौजूद रहे ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो सके। पूरा मामला भिलाई नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र सेक्टर 7 रेलवे कॉलोनी स्टेशन बस्ती का है, जहां बीती रात न्यू ईयर पार्टी के दौरान दो युवकों के बीच आपस में झड़प हो गई। इसमें आरोपी युवक केतन बाघ ने प्रिंस डोगरे के सीने में चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आसपास के लोग घायल युवक को लेकर चंद्रलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। इस बात की जानकारी स्थानीय युवक ने कुछ इस प्रकार दी। जब इमरजेंसी में लेके गए, जो हॉस्पिटल पास में रहता है वहाँ लेके जाएंगे। पुलिस का पहला सवाल था कि यहाँ क्यों लाए, अरे जो पास है घटना जहाँ वहाँ लेके जाएगा ना, तो वो बोले कि सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं बोला जो पास है वो लेकर आना। दूसरी बात, जहाँ पे लेके गए इमरजेंसी में वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। पुलिस वाला बोलता है कि मृत्यु घोषित कर दिया गया। मैं बोला सर किसकी किस आधार पे मृत्यु घोषित करता, बोले डॉक्टर है। बोले डॉक्टर, बोले मैं इमरजेंसी अंदर में घुसने का कोशिश किया, मुझे घुसने नहीं दिया, फिर भी मैं अंदर गया, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। पुलिस वाला किस आधार पे बोल दिया कि डॉक्टर बोल रहा है हॉस्पिटल लेके थे, हाँ ये चंदूलाल। पुलिस वाला किस आधार पे बोल दिया कि डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया गया, जबकि अंदर इमरजेंसी रूम में कोई डॉक्टर नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस वाले जो थे वो किस आधार पे बोल दिए कि डॉक्टर बोला। मैं फिर जानना चाहता हूँ कि कौन सा डॉक्टर बोला, मैं अंदर गया तो कोई डॉक्टर नहीं थे। तो ये सर ये गरीब के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? वो उन छोटा सा लड़का घर चलाता था, उनका घर कौन चलाएगा? आज ये तो कल बात दब जाएगी, लेकिन उनका घर कौन चलाएगा? उन माँ बेटे को कौन पालेगा? वही पूरे हत्या के मामले को लेकर भिलाई नगर थाना प्रभारी एमएल शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। कल रात 9 बजे प्रिंस उर्फ डीजू अपने दो साथियों के साथ में रेलवे स्टेशन के सामने में डीजे बजा करके न्यू ईयर के उपलक्ष में नाच गा रहे थे। उसी समय में एक आरोपी झाझ केतन बाघ उर्फ टीलू आया और उनका बहुत स्मार्ट बनते हो इस बात पर थोड़ा सा विवाद हुआ और झाझ केतन बाघ अपने जेब से चाकू निकाल करके प्रिंस के छाती में मार दिया, जिससे वो घायल हो गया और लहूलुहान होकर के वहीं गिर गया, जिसे अस्पताल ले गए और वहां उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, प्री प्लान मर्डर नहीं था, ये सरप्राइज मर्डर था। वहां पे वो नाच गा रहे थे और वो कहीं से आया, दोनों में आपसी विवाद हुआ, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और अचानक ये घटना घटित हुई है। और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में 302 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसका अन्वेषण जारी। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसको कलेक्ट करके प्रकरण में संलग्न कर दिया जाएगा। पुलिस जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पूरी तत्परता के साथ घटनास्थल पर भी आई और अस्पताल भी गई। उनके परिजन बेकाबू थे और पुलिस पर भी उन्होंने पथराव किया है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस क्या करेगी, अपनी कार्रवाई कर रही थी, रात का समय था और पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही थी। रात में ही आरोपी को राउंड अप किया गया, शव का पंचनामा कर लिया गया, अन्वेषण जारी। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।